श्यामाचरण जी नमस्ते। नमस्कार श्यामाचरण जी, बताइए कि आपके पास जमीन कितनी है और आप स्वयं कितनी फसल उगाते हैं? मेरा नाम सर श्यामाचरण उपाध्याय है। मैंने मैडी अरोमा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया सन 2018 में और अपने 517 सदस्यों के माध्यम से हम औषधि एवं सगंध फसलों की खेती करा रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले सर मैंने वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया था और बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। हमारे पिताजी फार्मर थे। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर था। तो उसके बाद मेरा लगाव जो था कृषि की तरफ था और चूंकि वनस्पति विज्ञान से मैंने स्नातक किया था तो औषधि और इन पौधों की तरफ ज्यादा रुचि थी मेरी। तो मैंने सीमैप से ट्रेनिंग ली। आप तो सरकार को भी जानते हैं, आप सब्जेक्ट को भी जानते हैं और पूरी तरह आपने तो जीवन इसमें खपाया है, तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि आपको सरकार की किस योजना का लाभ लेना चाहिए, कैसे लाभ लेना चाहिए, इसका पूरा पक्का ज्ञान होगा आपको। तो सर तो अभी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हमारे जनपद में सिवांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट लगा हुआ है, तो हम अपनी औषधि फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनको उसमें रखते हैं। जब मूल्य कम होता है लेकिन जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो वहां से निकाल कर हम मार्केट में बेचते हैं, तो इससे हमारे सदस्यों को, फार्म सदस्यों को काफी लाभ हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। अच्छा उपाध्याय जी, बताइए कि पहले जब आप अकेले बाजार में फसल बेचते थे और अब आप एक एफपीओ बनाकर फसल बेचते हैं, तो आपको तो फर्क समझ आता होगा, लेकिन जो किसान आपके साथ जुड़े हैं वो क्या फर्क महसूस करते हैं? जी सर, हमारे जो सदस्य फार्मर हैं उनके लगभग 280 एकड़ भूमि है, 200 हेक्टेयर भूमि है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे सदस्य किसान हैं वो परंपरागत खेती के साथ साथ नवीन फसलें करें, उनकी वैल्यू एडिशन करें और मार्केट में अच्छा मूल्य प्राप्त करें। और इनकम अच्छी होती है पहले की तुलना में? हाँ जी सर। कितना फर्क आया होगा? अब कितना फर्क आया होगा? पहले मानो 100 रुपया मिलता था तो अभी कितना मिलता होगा? जी सर, पहले मानो अगर 100 रुपया मिलता था तो आज 100 के बदले में कितना मिलता होगा? पहले से सर काफी अच्छा हो रहा है इस समय, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो हमारा चिलिंग प्लांट बना है इससे भी हमको काफी इनकम में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमको मूल्य में जैसे हमारा मूल्य बढ़ता है तो हम इससे निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे काफी हमको राहत मिली है। उपाध्याय जी, मुझे बताया गया कि आप लोग भी अपने जिले में बने आइस एंड चिलिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, ये जो सुविधा मिली है इसके कारण भी आपकी फसलों को काफी फायदा होता होगा? सर इससे ये है कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय जो मूल्य अगर होता है कम होता है तो हम उसका उपयोग इस योजना के तहत तो उसमें रख देते हैं, और जैसे ही मूल्य बढ़ता है हम देखते हैं मार्केट में मूल्य अच्छा है तो हम इसको निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे हमें काफी लाभ है। पहले हमको तुरंत बेचना पड़ता था। देखिए श्यामा जी, आपने खुद बताया कि जब हमारे किसान एक एफपीओ बनाकर उपज बेचते हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह जिले में एक आइस एंड चिलिंग प्लांट बनने में भी कितना बदलाव आया है। पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसे ही इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे आप सबने कासगंज में इसको बनाया भी है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे जिला में ये योजना हमको मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत चलिए, मेरी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब किसान बहुत प्रगति करें।